हाय फ्रेंड्स, मैं परविंदर खारी। फ्रेंड्स, आज की हमारी गेम वीडियो रिकमेंडेशन है अनिर्बान सरकार की। उन्होंने मुझसे जिस गेम के ऊपर वीडियो बनाने के लिए कहा था, वो गेम उसका टाइटल है स्वीट 16। जस्ट इसलिए कि सिर्फ ये गेम 16 मूव्स तक चली थी। ये गेम खेली गई थी 1964 में। खेलने वाले खिलाड़ी थे बॉबी फिशर वर्सेज विलियम ए नायमन। तो चलिए शुरू करते हैं। बॉबी फिशर ने यहाँ E4 के साथ शुरू किया। विलियम ने यहाँ E5 खेला, F4, किंग्स गैम्बिट एक्सेप्टेड, E takes F4, देन बिशप C4। वैसे D4 आता है यहाँ पर। खैर, ब्लैक ने यहाँ D5 किया, बिशप टेक्स D5, देन नाइट F6 स्क्वायर पर। बिशप वही एक पॉन जीतने की कोशिश है, तो यहाँ नाइट C3 पहले व्हाइट ने किया। बिशप आया B4 स्क्वायर पर, नाइट पर अटैक बना, नाइट F3 अपने डेवलपमेंट को कंप्लीट करने की कोशिश यहाँ बॉबी फिशर की। और इसके बाद यहाँ दोनों साइड्स ने कैसल किया। बिशप टेक C3, D takes C3, बिशप को कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उससे पहले ब्लैक ने C6 किया, बिशप पर अटैक बनाया, रिमूविंग द डिफेंडर। बिशप वापस C4 स्क्वायर पर, देन हुआ क्वीन B6 चेक, तो किंग गया H1 स्क्वायर पर। Nxc4, Nxc4 होने के बाद क्वीन से इस नाइट पर अटैक तो बना, लेकिन ब्लैक ने आपने रुक को रखा E8 स्क्वायर पर। फिर हुआ Bxf4, Bxf4 किसी प्रकार का कोई डिस्कवर्ड अटैक मुझे लगता नहीं है, कोई एडवांटेज डायरेक्टली होने वाला है, लेकिन फिर भी यहाँ ब्लैक को एटलीस्ट नाइट F6 के ऑप्शन को कंसिडर करना चाहिए था। क्यों? क्योंकि जिस तरह से ये गेम खेली गई थी उसका रिजल्ट कुछ गलत ही निकला। यहाँ हुआ था Nd6। Nd6 होने के बाद डायरेक्टली डिस्कवर्ड अटैक है क्वीन पर, क्वीन को बचना चाहिए था, लेकिन क्वीन ना बचते हुए यहाँ पर हुआ Bxd6, Rxe1। कौन छोड़ेगा इस क्वीन को? Rxe1। और अब क्या किया जाए? आई थिंक फ्रेंड्स, यहां वैसे तो अगर डायरेक्टली देखा जाए चेकमेट की थ्रेट है, कोई फर्क नहीं पड़ता, बिशप यहाँ बीच में आ सकता था। बिशप e6 वॉज बेस्ट ऑप्शन फ्रॉम हियर नाउ। लेकिन यहां हुआ था Bxd7। Bxd7, चलिए रुक की एंट्री तो बंद होती है, पर व्हाइट के पास बहुत अच्छा गेम प्लान है। उन्होंने यहाँ अपने नाइट को रखा G5 स्क्वायर पर, डायरेक्टली यहाँ इस F7 पॉन पर अटैक है, और कोई भी तरीका नहीं है इसका डिफेंस करने का। नाइट आया A6 स्क्वायर पर, नो यूज। यहाँ बॉबी फिशर ने अपना फाइनल मूव चला, वो था Rxf7। और यहाँ इस मूव के बाद कैन यू बिलीव इट, विलियम नाइमन ने रिजाइन कर दिया। और रेजिग्नेशन का रीजन फ्रेंड्स अगर आप यहाँ ढूंढना चाहें, तो सबसे पहली थ्रेट है इस बिशप से ये डिस्कवर्ड चेक आने की। तो मान लेते हैं कि अगर यहाँ ब्लैक अपने किंग को मूव करे या चेट स्क्वायर पर, तो उसके बाद बिशप E5 और दोनों बिशप्स कुल मिलाकर यहाँ लगभग चेकमेट कर देंगे। और G7 पॉन का डिफेंस करने के लिए अगर ब्लैक यहाँ रुक को G8 स्क्वायर पर लेकर भी जाए, तो भी ये गेम चेकमेट तक पहुंच जाएगी। वैसे तो बिशप फ्री ऑफ कॉस्ट मिल ही रहा है, लेकिन बिशप टेक्स G7 चेक पहले यहाँ पर वाइट कर सकता है। रुक टेक्स G7 होने के बाद होगा रुक F8 चेक। जब रुक बीच में वापस चेकमेट से बचने के लिए आएगा, उसके बाद रुक टेक्स G8 चेक और यहाँ E8। कोई भी तरीका मुझे यहाँ नजर नहीं आया। मैंने कई एंगल से इस पॉइंट पर गेम को कैलकुलेट करने की कोशिश की। अगर ब्लैक एग्जैक्टली क्वीन F2 क्वीन सेक्रीफाइस करने की कोशिश करे, और कोशिश करे कि किसी तरह से चेकमेट बच जाए, और रुक का भी चलिए देखते हैं, यहाँ से बिशप टेक्स G7 चेक, तो फिर भी यहाँ पर वाइट कर सकता है। किंग मूव होगा, उसके बाद रुक टेक्स D7 चेक, एंड दैट्स इट, अगेन इट्स अ मेट। नो, अभी यहाँ मान लेते हैं कि क्वीन बीच में लग भी गई, फिर दोबारा रुक से यहाँ इस क्वीन को लिया जा सकता है, और गेम 2 मूव के बाद चेकमेट तक पहुंच ही जाएगी। तो फ्रेंड्स, वाकई में बहुत शॉर्ट और बहुत ही मजेदार गेम यहाँ बॉबी फिशर की थी। तो मुझे पूरी उम्मीद है फ्रेंड्स, आप सभी लोगों को अनिर्बान सरकार जी की बताई हुई गेम पसंद आई होगी। तो आप लोग इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और मेरे इस YouTube चैनल चेस गुरु को प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें। आपके कमेंट्स का मुझे बेहद इंतजार रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय फॉर नाउ।